आज का विषय है बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये इस विषय का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यंजक के प्रकार कितने होते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे कि व्यंजक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात हम व्यंजक के प्रयोग देखेंगे कि उसका हमारे आसपास क्या उपयोग किया जाता है, उसके क्या क्या प्रयोग हैं। तो आइए देखते हैं कि व्यंजक के प्रकार कितने होते हैं। व्यंजक में पदों की संख्या के अनुसार व्यंजक के प्रकार निश्चित किए जाते हैं। पिछले वीडियो में हम पदों के बारे में जान चुके थे कि पद क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो में व्यंजक के प्रकार जानेंगे जो पदों की संख्या के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर किसी व्यंजक में सिर्फ एक ही पद हो तो उस व्यंजक को हम कहते हैं एकपदी यानी कि मोनोमियल। अगर उस व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं तो उस व्यंजक को हम कहते हैं बहुपदी यानी कि पॉलिनोमियल। चलिए व्यंजक के प्रकार को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। व्यंजक, व्यंजक में अगर एक ही पद हो तो उसे हम कहते हैं एकपदी। अगर व्यंजक में एक से अधिक पद हों तो उसे हम कहते हैं बहुपदी। बहुपदी के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। अगर किसी व्यंजक में दो पद हैं तो हम उसे कहते हैं द्विपदी, और अगर उसी व्यंजक में दो की जगह तीन पद हैं तो उसे हम कहते हैं त्रिपदी। आइए व्यंजक के प्रकार को एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों का प्रकार बताइए। पहला व्यंजक है ए, दूसरा व्यंजक है ए धन बी, और तीसरा व्यंजक है ए बी धन ए धन बी। तो व्यंजक के प्रकार को हम वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो एकपदी इन व्यंजक में से कौन सा है? सबसे पहला व्यंजक ए है वो एकपदी है। उसके पश्चात हम द्विपदी देखेंगे। तो जो ए धन बी है उसमें हमारे पास दो पद हैं ए और बी, तो इसलिए इस व्यंजक का प्रकार हुआ द्विपदी। और अब अंतिम में हम देखते हैं त्रिपदी इनमें से कौन सा व्यंजक है। तो आप जान ही चुके होंगे कि जो तीसरा व्यंजक है वो त्रिपदी है क्योंकि उसमें तीन पद हैं ए बी और ए और बी। आइए अब हम जानते हैं कि व्यंजक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका बहुत ही सरल सा तरीका है। व्यंजक में जहां जहां पद है उस जगह उन पदों के मान को हमें रख देना चाहिए, फिर उस व्यंजक को हमें हल करना चाहिए। तो उससे जो हमारे पास मान आएगा वही व्यंजक का मान होगा। आइए एक उदाहरण की तरफ इसे स्पष्ट करते हैं। एक व्यंजक लेते हैं 5x धन 3, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें जब x बराबर 2 हो। तो सबसे सरल तरीका जो हमने माना था कि x को हम 2 रख देंगे व्यंजक में, तो 5 गुणित 2 धन 3, तो 5 गुणित 2 10 और धन 3 बराबर 13, तो इस व्यंजक का मान हुआ 13। एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2, इस व्यंजक का मान कितना होगा जब n बराबर माइनस 2 हो। तो चलिए क्रम रूप से इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि 5n स्क्वायर का मान कितना होगा जब n बराबर माइनस 2 हो। तो सीधे सीधे हम n को माइनस 2 रख देंगे, तो 5 गुणित माइनस 2 का वर्ग, तो माइनस 2 का वर्ग होगा प्लस के 4, तो 5 गुणित 4 बराबर होगा 20, तो 5n स्क्वायर बराबर आया हमारा 20। अब हम दूसरे भाग को देखते हैं 5n माइनस 2, तो n को फिर से हम माइनस 2 रखेंगे, तो 5 गुणित माइनस 2 माइनस 2, तो आएगा माइनस 10 माइनस 2 बराबर माइनस 12। अब हम इस दोनों व्यंजकों को साथ में लिख के इस पूरे व्यंजक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो व्यंजक का मान होगा 20 माइनस 12 बराबर 8। तो हमने देखा इस व्यंजक 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 व्यंजक का मान जब n बराबर माइनस 2 है तो कितना आता है, 8 आएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि व्यंजक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हमारे चारों तरफ व्यंजक का क्या उपयोग है। व्यंजकों के काफी महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। हम सबसे पहला प्रयोग देखेंगे कि क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र लिखने में व्यंजक का कैसे प्रयोग किया जाता है।
उसके पश्चात हम दूसरा प्रयोग देखेंगे कि संख्या प्रतिरूपों के नियम को व्यंजकों के द्वारा कैसे लिखा जाता है, और उसके पश्चात हम तीसरा प्रयोग देखेंगे कि ज्यामिति के प्रतिरूप कैसे लिखे जाते हैं। आइए सबसे पहला प्रयोग देखते हैं, परिमाप का सूत्र लिखना। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3 गुणित भुजा की लंबाई, क्योंकि उसमें तीनों भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। तो हम त्रिभुज की भुजा को एक चर a द्वारा दर्शाते हैं। हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं किसके बराबर हैं, a के बराबर हैं। तो हम त्रिभुज के परिमाप को एक सरल से व्यंजक के द्वारा संक्षिप्त में लिख सकते हैं, और वो व्यंजक होगा 3 गुणित a, क्योंकि हमने भुजा की लंबाई को a माना था तो परिमाप हो जाएगा 3 गुणित a। इस तरह हम देखेंगे कि हमारे पास त्रिभुज का परिमाप था उसे 3 गुणित भुजा की लंबाई के बजाय हम सिर्फ 3 गुणित a लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी संक्षिप्त रूप में है, जिसे इसे याद रखने में भी आसानी होती है और हमें बार बार भुजा की लंबाई करके लिखना भी नहीं होता। आइए अब इसका दूसरा प्रयोग देखते हैं कि संख्या प्रतिरूपों के नियम कैसे लिखे जाते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या जो कि 1 से अनगिनत तक होती है उसे हम n से निरूपित करते हैं। तो अगर हमें उसके परिवर्ती को जानना होगा, परिवर्ती का मतलब उसके एक आगे का, तो हम उसे n धन 1 से निरूपित कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम किसी भी विषम संख्या को जानना चाहते हैं तो उसे हम 2n प्लस 1 से निरूपित कर सकते हैं, और किसी भी सम संख्या को जानना चाहते हैं तो उसे हम 2n के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमने संख्याओं को व्यंजकों के माध्यम से कैसे संक्षिप्त में लिख लिया, और हमें उनके एक प्रतिरूपों का पता चल गया कि विषम संख्याएं कैसी होती हैं, 2n प्लस 1 रूप की होती हैं, और सम संख्याएं होती हैं वो 2n रूप की होती हैं। आइए अब हम सबसे अंतिम प्रयोग के बारे में जानते हैं, जो कि है ज्यामिति के प्रतिरूप लिखना। अगर किसी भी बहुभुज की n भुजाएं हों तो उसके किसी भी शीर्ष द्वारा खींचे जाने वाले विकर्ण अर्थात डायगोनल की संख्या n माइनस 3 होती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं और इसे जानते हैं कि यह वास्तव में सही है या नहीं। सबसे पहले हम n बराबर 4 लेते हैं। तो n बराबर 4 मतलब होता है एक चतुर्भुज। तो एक चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष द्वारा अगर हम विकर्ण खींचें तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही आएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि विकर्ण की संख्या n माइनस 3 होती है, वो यहाँ पर सही है या नहीं। n बराबर हमारा 4 है तो विकर्ण की संख्या किसी भी शीर्ष द्वारा हुई 4 माइनस 3 यानी कि 1, और हम देख सकते हैं कि चतुर्भुज में किसी भी शीर्ष द्वारा एक ही विकर्ण खींचा जाता है। उसी प्रकार अब हम n बराबर 5 यानी पंचभुज के बारे में देख सकते हैं। उसके किसी भी शीर्ष द्वारा सबसे पहले हम एक विकर्ण खींचते हैं, फिर हम दूसरा विकर्ण भी खींच सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि इससे ज़्यादा विकर्ण हम किसी भी शीर्ष द्वारा नहीं खींच सकते। तो यहाँ पर n बराबर 5 है तो विकर्ण की संख्या आनी चाहिए थी n माइनस 3 अर्थात 5 माइनस 3 जो कि है 2, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी शीर्ष द्वारा खींचे जाने वाले विकर्ण की संख्या 2 ही है। अब हम अंतिम देखते हैं n बराबर 6 के लिए। n बराबर 6 का मतलब 6 भुजाओं वाला बहुभुज। उस बहुभुज में हम किसी भी शीर्ष द्वारा सबसे पहले विकर्ण खींचते हैं। ये हमारा पहला विकर्ण है, ये दूसरा और ये तीसरा। इसके अलावा हम किसी भी शीर्ष द्वारा और विकर्ण नहीं खींच सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर n बराबर 6 है और विकर्ण की संख्या होनी चाहिए थी n माइनस 3 अर्थात 6 माइनस 3 बराबर 3 जो कि बिल्कुल सही है। आइए तो हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि व्यंजक के प्रकार कितने होते हैं। मुख्यतः हमने उन्हें पहले दो भागों में विभाजित किया, एक एकपदी और दूसरा बहुपदी। फिर हमने बहुपदी को भी जाना कि बहुपदी में द्विपदी और त्रिपदी भी होते हैं। उसके पश्चात हमने जाना कि व्यंजक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, और तत्पश्चात हमने व्यंजक के प्रयोग देखे कि हमारे आसपास व्यंजक के क्या प्रयोग हैं। हमने मुख्यतः 3 ही प्रयोग के बारे में जाना, लेकिन इसके अलावा भी व्यंजक के काफ़ी सारे प्रयोग होते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।